18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं जो अभी तक कोविड वैक्सीनेशन के तहत आच्छादित नहीं हो रहे थे, इनको हम अगले 10 दिन के अंदर आच्छादित कर लें, ये हमारा फोकस रहेगा। और इसके लिए हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, हमारा प्रयास ये होगा कि हर कॉलेज में हम पहुँचें और हर कॉलेज में वहीं पर मौके पर ही उनका वैक्सीनेशन कराया जाए, ये हमारा टारगेट है। मैं इसमें हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, मैं इनसे यह अनुरोध करूंगा कि पूरे जनपद में एक आंदोलन तैयार करा दें, जिससे कि कोई भी बच्चा न तो 15 से 18 वर्ष का और 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी वयस्क ये कोविड के वैक्सीनेशन से शेष न रह जाए। एक विशेष अभियान की शुरुआत हम कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूं कि आप सभी लोगों का सक्रिय सहयोग हो, पूरे जनपद के प्रत्येक निवासी तक हम पहुंचें और जल्दी से जल्दी जनपद को वैक्सीनेशन के लक्ष्य के सापेक्ष संतृप्त करते हुए यहां के निवासियों को हम पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखने की भावना उनमें जागृत कर सकें, ये हमारा प्रयास है। इसमें आप सभी का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। सर, जिले में वैक्सीनेशन के डोज की कोई कमी नहीं है, हमने प्लानिंग कर ली है, लॉजिस्टिक्स का हमने माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है कि पहले दिन कहाँ कहाँ किन विद्यालयों में हमारा टीकाकरण होगा, अगले दिन कहाँ होगा, इस तरह से हमने पूरी माइक्रो प्लानिंग कर रखी है। इसके अलावा ICCC भी 100% फंक्शनल 24/7 शुरू कर दिया गया है। CMO ऑफिस का कंट्रोल रूम पूरी तरह से 2400 घंटे क्रियाशील कर दिया गया है और CMO को डायरेक्शन दिया गया है कि वो हर अधीक्षक के यहाँ कंट्रोल रूम एक्टिवेट करा दें। प्रत्येक दिन तहसील स्तरीय अधिकारी, अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, CDPOs और साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी ये बैठ करके और उन ADO पंचायत के साथ अपनी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। निगरानी समितियों को क्रियाशील कर दिया गया है और साथ ही साथ इसमें जो ग्राम स्वास्थ्य और पोषण समितियां हैं उनको भी क्रियाशील करके प्रत्येक निगरानी समिति के पास मेडिकल किट, कम से कम 5-5 मेडिकल किट हर निगरानी समिति के पास उपलब्ध रहे, इसको हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन।